हेलो मूवी बब्स। धीरे धीरे लोगों को समझ आ गया है कि एक अच्छी मूवी या वेब सीरीज़ के लिए आपको बड़े बड़े स्टार्स की या फिर हैवी बजट की ज़रूरत नहीं। यह नया हिंदुस्तान है, यहाँ आपको बॉलीवुड के बड़े लोगों का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि आप अपने टैलेंट का जलवा OTT प्लेटफॉर्म में दिखा सकते हो, जिसका क्वालिफिकेशन बहुत सीधा और सिंपल है। अगर आप एक्टर हो तो अपने एक्टिंग से मौका जीत सकते हैं, राइटर हो तो अपने राइटिंग से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इस वक्त OTT प्लेटफॉर्म्स में इतने सारे कमाल के मूवीज़ और वेब सीरीज़ पड़े पड़े हैं और हर हफ्ते नई नई रिलीज़ हो रही है कि आपको खाली बैठने का टाइम ही नहीं मिलेगा। परसों ही हॉटस्टार स्पेशल की वेब सीरीज़ होस्टेजेस का सीज़न 2 रिलीज़ हुआ है, जो 60 घंटे लंबी है विद 12 एपिसोड्स। तो चलिए आज का मूवी रिव्यू शुरू करते हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे ख़त्म हुई थी, जहाँ हमें लग रहा था कि रिटायर्ड SP पृथ्वी सिंह CM खुशवंत लाल हांडा को ऑपरेशन के दौरान ही मारना चाहते थे, लेकिन वो करने के उल्टा पृथ्वी CM को ऑपरेशन से बड़े ही चालाकी से किडनैप कर लेते हैं। लोगों को ये लगता है कि CM ने ऑपरेशन के दौरान ही दम तोड़ दिया, और इस न्यूज़ का पूरे देश में बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। सभी TV चैनल्स, सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ तहलका मचा देती है। यहाँ पृथ्वी CM का किडनैप बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए करता है, ताकि वो अपने वाइफ की ज़िंदगी को बचा सके। कहानी में पहला ट्विस्ट तब आता है जब CM किडनैपर्स की चंगुल से भागने की कोशिश करता है, जिससे पृथ्वी का पूरा प्लान उल्टा पड़ जाता है और उसकी पत्नी की हालत भी थोड़ी गंभीर हो जाती है, जिस कारण उन्हें एक पुराने घर में घुसना पड़ जाता है। और यहाँ से हॉस्टेस वाला सीनेरियो फिर से क्रिएट होता है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी टेढ़ी मोड़ लेती है। इस सीज़न में आपको कई नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिनका रोल बहुत ही ज़रूरी साबित होता है कहानी में। दिव्या दत्ता आपको आयशा खान के रोल में नज़र आएंगी, जो प्रोफेशन से नेगोशिएटर है और दिमाग से बहुत चालाक। ये लोगों को देख के ही उनकी बहुत सारी बातें बताने की काबिलियत रखती है, लेकिन किडनेपर्स से एक कदम हमेशा पीछे रह जाती है। सचिन खुराना आपको DSP दत्त के रोल में दिखेंगे, जो पृथ्वी सिंह के रिटायरमेंट के बाद अपॉइंटेड हुए हैं, और उन पर उस पोजीशन को होल्ड करने का बहुत प्रेशर है। इसके साथ ही आपको सपोर्टिंग कास्ट में बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स दिखेंगे, जैसे असीम गुलाटी, मोहन कपूर, अमित सहगल, और साथ ही आपको डीनो मौर्या का एक मेजर रोल दिखेगा, जो कहानी में एक अलग ही ट्विस्ट डाल लेता है। जिस तरह सीज़न 2 की कहानी ने एक नया मोड़ लिया है और बहुत सारे नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है, उसी कारण सीज़न 1 के कुछ कैरेक्टर्स हमें नहीं दिखते हैं, जैसे तिस्का चोपड़ा, परवीन दावास और कुछ एक्टर्स सीज़न 2 में इन्वॉल्व नहीं है। सभी एक्टर्स ने कमाल की एक्टिंग की है थ्रू आउट द होल स्टोरी, और अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्प्ले किया है, जिससे आपको कहानी में रहने का मौका मिलता है। कमाल की सिनेमाटोग्राफी हमें दिखने को मिलती है थ्रू आउट द स्टोरी, बात चाहे कैमरा एंगल की हो या कैमरा मोशन की। छोटे से छोटा शॉट भी बहुत बारीकी से लिया गया है। आपको बीच बीच में कमाल के ड्रोन शॉट्स देखने को मिलेंगे, जो विजुअल्स को थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं और हमें एक क्लियर विजन देते हैं हर एक ऑब्जेक्ट की। टेंस मोमेंट्स में डच एंगल का बहुत ही अच्छी तरह इस्तेमाल किया गया है, जिससे हम स्टोरी में अच्छी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ किया गया है, कहीं पे भी आपको अननेसेसरी साउंड या ज़्यादा अनरिक्वायर्ड नॉइज़ देखने को नहीं मिलेगा, और ज़रूरत के वक्त ही इंटेंस साउंड्स का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको थ्रिलर का पूरा मज़ा दे। अब आप जितना भी अच्छी एक्टिंग कर ले या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल करें, आपकी मेहनत पे पानी कुछ ही देर में पड़ सकता है, अगर स्क्रीन प्ले अच्छी तरह से नहीं लिखी गई हो। शुरुआत में स्क्रीन प्ले थोड़ी भटकती हुई ज़रूर लगती है, लेकिन एक बार जब हॉस्टेस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, फिर तो थ्रिलर की ओर ही आगे बढ़ती है, और कहानी में नए ट्विस्ट मोमेंट्स आने लगते हैं, जो सीज़न 2 को एक बेहतरीन वन टाइम वॉचेबल मिस्ट्री थ्रिलर बना देती है। फाइनली यही कहूँगा कि हॉस्टेस सीज़न 2 एक बहुत ही अच्छी थ्रिलर है, जो अपने पन्नों को धीरे धीरे खोलती है और कहानी में नए नए ट्विस्ट को इन्वॉल्व करती रहती है। एक मूवी या वेब सीरीज़ को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत और टाइम की ज़रूरत होती है, जिसे हम अपने ओपिनियन के बेस पर रेट करेंगे तो जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि हमने ऐसे बहुत मूवीज़ या सीरीज़ देखे हैं
जो कुछ लोगों के लिए मास्टरपीस होती है और कुछ लोगों के लिए साधारण कहानी। सभी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और सभी अलग अलग कहानी में खुद को रिलेट कर पाते हैं, इसलिए जो आपको सही लगे वही ठीक है। अगर वीडियो में आपका कुछ अलग ओपिनियन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करो। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि ऐसी मूवी रिव्यूज़ आपको आगे मिलती रहे। हमेशा मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखते रहे और अच्छे कंटेंट को अप्रिशिएट करते रहे, यही हमारा गोल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।